एवरीबडी, आज हम स्टैट शुरू कर रहे हैं। स्टैट्स में जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? आप इस चैप्टर में मीन, मीडियन, मोड पढ़ने वाले हो। हालांकि आप ये जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो 9th-10th में, लेकिन फिर भी 11th में भी आपको ये पढ़ना है और थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम मीन। तो मीन पढ़ने से पहले, मीन स्टार्ट करने से पहले, आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज कितने टाइप की होती है। सीरीज यानी कि जो मीन का क्वेश्चन होता है, एक सीरीज गिवन होती है और कहा जाता है कि मीन निकालो, तो वो सीरीज कितने टाइप की होती है ये डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। सीरीज एक्चुअली तीन टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये तीन टाइप की सीरीज होती है। और अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है। देखो, इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल, बस एक ही एक्स दे रखा होता है, एक ही कॉलम, एक एक्स दे रखा होता है और उसका आपको मीन निकालना होता है। मान लिया एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है और 10 नंबर का उनका पेपर हुआ, टेस्ट हुआ, उनके मार्क्स। तो इधर हम लिखते हैं नेम और इधर उनके मार्क्स। उनके नेम है मान लिया ए पी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये स्टूडेंट्स के नेम है। और उनके मार्क्स 10 मार्क्स का पेपर है, तो किसी के 2 आए, किसी के 3 आए, किसी के 10 आए, किसी के 0, 1, 3, 2, 1, 4, 5। तो ये जो एक सीरीज आप देख रहे हो, ये इंडिविजुअल सीरीज है। इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जब आप क्वेश्चन करते हो तो इसे एक्स मानते हो और अपना फॉर्मूला लगा देते हो, है ना। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? इसके अंदर देखो, एक एक्स गिवन होता है क्वेश्चन में, आपको एक एफ भी गिवन होता है, यानी कि दो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि एक्स आपको गिवन है, ये मार्क्स हो गए कि 10 नंबर का टेस्ट हुआ, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एफ गिवन होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ गिवन था कि 0 नंबर ले। और मान ली क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो 0 नंबर लेने वाले 4 बच्चे हैं, 1 नंबर लेने वाले 3, ये 5 बच्चे हैं, 3 नंबर लेने वाले 6 बच्चे हैं, 4 नंबर लेने वाले 2 बच्चे हैं, 7, 8, 1, 6, 4। और 4, तो इस तरह से 50 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये डिस्क्रीट सीरीज है, यानी कि इसके अंदर एक एक्स होता है और एक एफ होता है। इससे हमें मीन का फॉर्मूला लगाना होता है और मीन निकालना होता है। तो वो मीन कैसे निकालेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि सीरीज कितने टाइप की होती है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल जिसके अंदर होता है एक ही, वो इंडिविजुअल सीरीज जिसके अंदर एक एक्स है और एक एफ है, ये डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, इस तरह से क्लास इंटरवल बना होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी रखी होती है, तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। जैसे कि मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे, ये 6 है, ये 17 है, ये 14 है, 29 है और 24, तो इस तरह से 100 स्टूडेंट्स हैं। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है जिसके अंदर इस तरह से इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो आप? देखो, इंडिविजुअल सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीरीज हमें इंडिविजुअली बता रही है वैल्यूज। जैसे कि
अगर मैं पूछू कि सी के कितने नंबर आए हैं, तो भाई सी के तो 10 मार्क्स आए हैं। अगर मैं कहूं जी के कितने नंबर आए हैं, भाई जी के 2 मार्क्स आए हैं, है ना। जे के कितने, जे के 5 है। यानी कि इंडिविजुअली सबके बारे में बता रही है, इसलिए इंडिविजुअल सीरीज है। लेकिन ये सीरीज इंडिविजुअली नहीं बता रही कि किसके कितने मार्क्स है। ये सीरीज ये बता रही है कि 0 नंबर लेने वाले 4 स्टूडेंट है, वो 4 स्टूडेंट कौन से नहीं पता, है ना। 3 मार्क्स लेने वाले 6 स्टूडेंट्स है, वो 6 कौन से स्टूडेंट्स है नहीं पता, इंडिविजुअली नहीं पता हमें। जैसे 8 मार्क्स लेने वाले 6 स्टूडेंट्स है, वो 6 कौन से है नहीं पता। तो ये सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज भी ऐसी है, लेकिन ये हम डिस्क्रीट सीरीज से कॉन्टिन्यूस सीरीज क्यों बनाते हैं। देखो जब डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हम फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाते हैं। जैसे कि देखो इसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट्स है और 10 नंबर का ही टेस्ट हुआ था, तो 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखना पॉसिबल है, लिख दिए, उनके मार्क्स भी लिख दिए। डेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, मार्क्स तो 10 ही है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हो गए। अब मैं इस तरह से जो 10 स्टूडेंट्स है, ऐसे मैं 50 स्टूडेंट्स के नाम लिखूंगा तो बहुत बड़ी सीरीज नहीं हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये वाली सीरीज बना ली डिस्क्रीट। इसके अंदर जैसे अभी मैंने बताया था कि 2 नंबर लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, वो 5 कौन से नहीं पता। 5 मार्क्स जिनके आए हैं वो 7 स्टूडेंट्स है, मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स है, कौन से 7 है नहीं पता। तो ये डिस्क्रीट सीरीज। अब डेटा और बड़ा हो गया, यहां मार्क्स भी जो 10 मार्क्स का जो टेस्ट था वो 50 मार्क्स का टेस्ट हो गया। अब मैं इसको अगर इसी सीरीज को बनाऊं तो 50 तक मार्क्स लिखूं तो फिर सीरीज बहुत बड़ी हो जाएगी। और बच्चे 100 हैं, ये सीरीज भी नहीं बना सकते भाई, 100 स्टूडेंट्स के नाम लिखूं तो भी सीरीज बड़ी हो जाएगी। ये भी नहीं बना सकते क्योंकि मार्क्स जो 10 मार्क्स का पेपर था वो 50 मार्क्स का है, तो ये भी नहीं बना सकता कि मैं 50 तक मार्क्स लिखूं। तो इसके लिए हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में आ जाते हैं। इसमें क्या है, 0 to 10 मार्क्स लेने वाले 16 बच्चे हैं, 0 से 10 नंबर जिनके आए हैं वो 16 बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन वो 0, अब वो 16 बच्चे कौन से हैं नहीं पता, और उनके मार्क्स कितने हैं ये भी नहीं पता। ये पता है कि 0 से 10 के बीच में है, ये नहीं पता कितने मार्क्स हैं। ऐसे ही 10 to 20 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं, ऐसे 17 बच्चे हैं, कौन से हैं 17 बच्चे नहीं पता, मार्क्स कितने हैं उनके नहीं पता। ये पता कि बस 10 से 20 के बीच में है, ठीक है। तो जब डेटा और बड़ा हो जाता है तो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज यूज करते हैं। तो हमें अभी सिर्फ ये समझना है कि सीरीज होती कितनी तरह की है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां एक ही ऐसा वेरिएबल दे रखा होगा वो इंडिविजुअल सीरीज, जहां एक्स और एफ ऐसे 2 कॉलम्स बने होंगे डिस्क्रीट सीरीज है, और जहां इस तरह से इंटरवल, इसकी पहचान तो बहुत ईजी है, जहां इस तरह से इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी साथ में होगी ही होगी, वो कॉन्टिन्यूस सीरीज है। आगे समझ में, तो सीरीज समझने के बाद अब हम शुरू कर सकते हैं अपना पहला टॉपिक मीन। तो मीन शुरू कर रहे हैं हम। मैंने कहा था मीन जो होगा अलग अलग सीरीज के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, तो इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, भाई मीन निकालो, मतलब एक एक्स दिया हुआ है, सिर्फ एक एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कहेंगे मीन निकालो। ऐसी सीरीज भी आ सकती है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर आपको एक एक्स और एक एफ दिया होगा और कहेंगे कि मीन निकालो। ऐसी सीरीज भी हो सकती है जहां पर इस टाइप का कुछ क्लास इंटरवल होगा और एक फ्रीक्वेंसी होगी और कहेंगे मीन निकालो। तो तीनों सीरीज में मीन निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंडिविजुअल सीरीज पर। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकालेंगे, देखो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये मीन का फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने कहा ना इसमें सिर्फ एक्स गिवन होगा क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, एक ही होगा सिर्फ एक्स। तो आपको क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो फिलहाल मैं ये हटा देता हूं यहां से, तो इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आपको क्वेश्चन में एक्स दे रखा है, यानी कि मार्क्स दे रखे हैं 2, 4, 9, 6, 5, 3, 2, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 9 और चलो ये 10 बच्चों के मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, देखते ही आपने भाई जज कर लो, ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपने देखा क्या है, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ एक्स अपॉन में एन। सम ऑफ एक्स, ये जो सिंबल है जानते हो आप, ये सिग्मा है, मतलब सम, जिसके आगे लगा होता है उसका हमें टोटल चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें एक्स का टोटल चाहिए, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन,
x का टोटल कर लेते हैं, ये x का टोटल आ गया हमारे पास, तो 47 टोटल आ गया। यहां पे चाहिए था टोटल 47 अपॉन में n, n मतलब गिनकर कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, आंसर इज 4.7। बहुत सिंपल सा है, कर चुके हो पहले भी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला था, बहुत इजी सा। तो ये पहला मेथड। दूसरा मेथड इसके अंदर होता है शॉर्टकट मेथड, इसका एक नाम और भी है एज्यूम मीन मेथड। इस मतलब यही क्वेश्चन है, यही सीरीज है, ये कह रहे हैं कि शॉर्टकट मेथड से हमें मीन निकालना है। देखो शॉर्टकट मेथड में मीन कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला a प्लस सम ऑफ d अपॉन में n, ये फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। इससे भी करते हैं, यही क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर 4.7 था, याद रखना। क्योंकि आप कोई भी मेथड यूज करो, चाहे ये मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। अभी हमने इसका आंसर जो निकाला 4.7 था ना, एक याद रखने के लिए आप यहां पे लिख लो भी 4.7 निकाला था हमने, ठीक है। तो अब इसका मैं दोबारा से मीन निकाल रहा हूं, किस मेथड से, ध्यान रखना सीरीज अभी इंडिविजुअली है, इंडिविजुअल सीरीज ही है, क्योंकि एक एक्स दे रखा है ना, इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज में ही अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड की जगह अब हम शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला कह रहा है हमारा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, एक तो फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखो, और फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला ही आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे कि यहां फॉर्मूला बता रहा है कि ए लेकर आओ ढूंढकर, ए ए ए का मतलब यहां पर है एज्यूम, एज्यूम तो इसमें से कुछ भी एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है। मान लिया हमने ये एज्यूम कर लिया ए, ठीक है, तो फॉर्मूले की तरफ जाओ, फॉर्मूला कह रहा है ए लाओ, ये लो ए दे दिया। अब फॉर्मूला कह रहा है सिग्मा डी लाओ, यानी कि डी का टोटल लाओ, हमारे पास तो एक्स है, एक्स का टोटल नहीं, वो कह रहा है डी का टोटल, तो इसका मतलब मुझे डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है सिग्मा डी, डी का सम, तो डी निकालना पड़ेगा। अभी डी कैसे आएगा, मैं फॉर्मूले में लिख देता हूं, जो आपको डी निकालना होगा वो निकलेगा एक्स माइनस ए करके, डी ऐसे निकालना है आपको। जब भी आप शॉर्टकट मेथड यूज करोगे फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, ए आप एज्यूम कर लोगे, डी आपको निकालना पड़ेगा, डी कैसे निकालना है एक्स माइनस ए करके, यानी कि यहां पर डी कैसे निकालना है एक्स माइनस ए करके, इस तरह से आपको डी मिलेगा। तो एक्स माइनस ए, ए अभी हमने क्या लिया 5, तो एक्स माइनस 5 करते जाओ डी मिल जाएगा। चलो करते हैं, एक्स ये रहा, एक्स माइनस 5 2, ये 2 है ना एक्स, माइनस 5 दो में से गए 5 माइनस 3, फिर अब ये एक्स, एक्स माइनस 5 4 है ना एक्स, माइनस 5 माइनस 1 9 में से एक्स है ना, मतलब ये वैल्यू जो है ये एक्स है, तो एक्स माइनस 5 यानी कि 9 में से माइनस 5 4, 6 में से माइनस 5 1, 5 में से 5 0, 3 में से माइनस 5 2, माइनस 3 3, माइनस 4 2, तो इस तरह से आपको डी मिलेगा। समझ में आ गया डी कैसे है, फिर से देख लो, एक्स ये जो वैल्यूज है माइनस 5, इन सब वैल्यूज में से 5 माइनस करते जाओ, आपको डी मिल जाएगा। डी का मतलब यहां पर डेविएशन से है, ठीक है, आगे आगे और आएगा तो मैं बताऊंगा डी की भी और डिटेल में, फिलहाल डी मीन्स डेविएशन होता है, डेविएशन का मतलब दूरी, यानी कि इसकी 5 से कितनी दूरी है, कितना डेविएट कर रहा है, कितना डेविएशन है इसका, तो माइनस 3, इसका कितना डेविएशन है 5 से, ठीक है। इस पूरे को x को हमने इससे डेविएशन देखना है कि इस 2 की 5 से कितनी दूरी है, फिर 4 5 से कितना दूर है, फिर 9 5 से कितना दूर है, 6 5 से कितना दूर है, इसलिए इसे डेविएशन बोलते हैं। तो इसके बाद अब d हमें मिल गया, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं वापस। जब भी आपको देखना, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना, a लिख दिया यहां पर सिग्मा d, d का टोटल चाहिए, d का टोटल करते हैं, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, माइनस 3 प्लस 3 कट गया है ना, और क्या बचा, ये माइनस 2 प्लस 2 कट गया, 4 माइनस 4 कट गया, माइनस 3 बचा,
वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्लस प्लस वाले इकट्ठे कर लो, माइनस माइनस वाले इकट्ठे कर लो, लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो और काट के भी कर सकते हो। वैसे करते तो क्या करते, पहले माइनस वाले या प्लस वाले इकट्ठे कर लेते, पहले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस वाले 10 थे और माइनस वाले देख लो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी कि माइनस के 13 थे। माइनस 13 और 10 करोगे तो माइनस 3 आता ना, तो अब प्लस माइनस कर लो तो भी यही आएगा, या काट की कर लो तो भी वही आएगा, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो ये माइनस 3 आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, डी के टोटल यानी कि डी का जो टोटल था, माइनस 3 अपॉन में एन। एन का मतलब यहां पर क्या है, वही गिनकर कितने स्टूडेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स है। सॉल्व करते हैं, 5 प्लस ये जीरो कटेगा तो यहां पॉइंट लग जाएगा ना, तो माइनस 0.3, 5 में से अगर 0.3 जाएंगे तो 4.7 आंसर। देखो यही आंसर पहले भी आया था ना उस सीरीज में, इस सीरीज तो सेम थी, सॉरी चाहे डायरेक्ट मेथड किया था तो भी यही आंसर आया था, अभी हमने शॉर्टकट मेथड से किया तो भी यही आंसर आया, ठीक है। इसके बाद अगला मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ध्यान रखना, कभी भी इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन में आपको स्टेप डेविएशन मेथड आएगा ही नहीं एग्जाम में, उसकी वजह है क्यों नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल आप इसका स्टेप डेविएशन कभी मत करना, ये एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड्स, वैसे तीन मेथड्स होते हैं हर एक सीरीज में, फिलहाल इस वाले में इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक डायरेक्ट मेथड करना है, एक शॉर्टकट मेथड करना है, स्टेप डेविएशन इसमें मत करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अगली सीरीज। अगली सीरीज कौन सी है हमारी, मैंने क्या बताया था, डिस्क्रीट सीरीज है ना। क्या पहचान है डिस्क्रीट सीरीज की, कैसे पता लगता है डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज का कैसे पता चलेगा। मैंने कहा था जिसमें एक एक्स होगा और एक एफ होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। उसमें दो कॉलम होंगे, एक एक्स और एक एफ। चलो इसके अंदर फॉर्मूला, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन का, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का। सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन का टोटल और सिग्मा एफ एफ का टोटल। अब इस क्वेश्चन में एफ और एक्स दोनों गिवन होंगे, पहले एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन मुझे एक एक्स दे रखा है और एक एफ दे रखा है, ठीक है। एक्स दे रखा है मुझे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एफ दे रखा है मुझे 4, 5, 2, 3, 2, 4। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड। तो जब भी मैंने बताया आपको क्वेश्चन करना हो, आपको सॉल्व, आपको देखने से पता चल गया कि ये तो डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि एक्स दे रखा है, एक एफ दे रखा है। तो मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन करना हो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा मैंने बताया टोटल, किसका, एफ एक्स का टोटल और एफ का टोटल। एफ एक्स का टोटल, एफ एक्स यानी कि मुझे एक कॉलम बनाना होगा एफ एक्स। एफ एक्स कैसे बनेगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स 4 2 8 5 4 20 12 24 20 48, ठीक है, ये एफ बन गया। लेकिन मुझे चाहिए इसका सिग्मा, मतलब टोटल। टोटल करते हैं, टोटल आ गया 132। तो आप देखो फॉर्मूले के अंदर फिट करते हैं, एक तो मैं सिग्मा एफ एक्स चाहिए, 132 आ गया। अब मुझे सिग्मा एफ यानी कि एफ का टोटल चाहिए, एफ का टोटल 20 आ गया, ये 20 यहां रखा, काट देते हैं ये जीरो और ये आंसर आ गया 6.6, ठीक है। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि आपको दिख रही होगी डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ। अगला करते हैं हम इसी का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कह लो, या अभी मैंने जो बताया एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं इसे। इसी क्वेश्चन को अब मैं एज्यूम मीन मेथड से करवा रहा हूं आपको। देखो
मैंने क्या बताया था, मेथड ये हो या ये हो या ये हो, आंसर सेम आएगा। यानी कि अब मैं जो मेथड करने जा रहा हूं, इसका आंसर क्या आया था 6.6, इसका आंसर भी इससे आंसर भी 6.6 आना चाहिए। चलो तो क्वेश्चन वही है, आंसर हम याद के लिए लिख लेते हैं कि 6.6 आया था डायरेक्ट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो पहले ध्यान से शॉर्टकट मेथड का, ए प्लस, देखो यही ऐसे ही फॉर्मूला, बस यहाँ पे बीच में एफ एक्स कर दिया था ना, सिग्मा एक्स की जगह एफ एक्स कर दिया। यहां पर भी फॉर्मूला देखो लगभग वैसे ही है, बस डी की जगह एफ डी कर दिया और सिग्मा एफ। और डी कैसे आएगा, जैसे यहां डी आता था ऐसे यहां भी डी आएगा। डी कैसे आएगा, एक्स माइनस ए करके, जो मैंने यहां बताया था वैसे ही डी अभी भी वही आएगा डी वैसे ही। तो इस फॉर्मूले से करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला कह रहा है हमें कि ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए कह रहा है, मतलब सबसे फॉर्मूला कह रहा है कि हमें पहले ए चाहिए, ए कुछ भी दे देते हैं कोई भी। अब आप सोचोगे सेंटर वाला करें, आप सेंटर वाला करो, ये वाला करो, ये करो, इस सीरीज में कोई चीज नहीं है, चाहे वो एज्यूम करो। हाँ जी, इस सीरीज में यहां पे आप सोच रहे हो ना इसी में से ए एज्यूम करना है। दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, 100 ले लो ए को, आंसर तब भी 6.6 ही आएगा। अभी पहले इसमें से लेकर करते हैं, फिर मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि कोई भी आंसर, चाहे वो सीरीज में नहीं भी है, कोई भी ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा। फिलहाल इसमें से ले लेते हैं 8, ठीक है। अभी मैं दोबारा से करके दिखाऊंगा कुछ और लेकर। तो 8 ए आ गया हमारे पास, इसको हमने ए मान लिया। अब फॉर्मूला कह रहा है एफ डी लेकर आओ, तो एफ और डी यानी कि मुझे डी चाहिए होगा तभी तो एफ डी निकलेगा, है ना। तो पहले डी, डी कैसे निकलता है, मैंने बताया था एक्स माइनस ए करके डी निकलता है, और ए हमने लिया है 8, तो यानी कि एक्स माइनस 8, ये रहा एक्स, ये सारा एक्स है, 8 से माइनस करते जाओ सबको, 2 में से गए 8 माइनस 6, 4 में से गए 8 माइनस 4, 6 में से गए 8 माइनस 2, 8 में से गए 8 0, 10 में से गए 8 2, 12 में से 8 4, डी मिल गया। मुझे डी का टोटल नहीं चाहिए, मुझे तो एफ डी का टोटल चाहिए, फॉर्मूला कह रहा है एफ डी का टोटल। तो एफ और डी, एफ डी तो मल्टीप्लीकेशन करके एफ डी बन जाएगा, 6 4 जा -24, ध्यान रखता है जब मल्टीप्लाई करते हैं एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस में आंसर आता है, -20, 2 2 -4 0, 2 2 जा 4 16। ए हमने अज्यूम कर ही लिया था, मिल गया था, सिग्मा एफ डी चाहिए मुझे, एफ डी का टोटल चाहिए मुझे, एफ डी का टोटल कर लेते हैं, ये 16 4 20 हो गया, और ये 20, 20 प्लस का 20 माइनस का गया, -28 इसका टोटल हो गया। देखो 24 और 4 दोनों माइनस किया तो -28, इसका मैंने तरीका बताया था, चाहे आप अलग से प्लस वाले अलग ले लो माइनस वाले अलग ले लो तब भी कर लो, या ऐसे काट के कर लो आपकी मर्जी है। तो -28 और सिग्मा एफ, एफ का जो टोटल है वो है 20, यहां पे 20 रखा और सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस यहां पर आ गया -1.4, -1.4, 8 में से अगर 1.4 माइनस होंगे तो आंसर बिकम 6.6 जो पहले था। देखो 6.6 ही था ना पहले भी, ये वाला जो मेथड किया था, इस वाले मेथड से भी 6.6 आंसर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां से ए अज्यूम मत करो, कहीं से भी कर लो तो भी आंसर आएगा, तो मैं वो भी प्रूफ करके दिखाता हूं। ये वाला समझ में आ गया, एक बार फिर देखो, तो वही क्वेश्चन है, आंसर 6.6 आ चुका है। इससे भी करके देख लिया, इससे भी करके देख लिया, अब मैं एज्यूम चेंज करके दिखाता हूं, ठीक है। क्या एज्यूम करना चाहते हो बताओ, 20 कर ले, 25, 100 कर लो, कुछ भी 50 एज्यूम कर लो, आंसर सेम आने वाला है। चलो 100 एज्यूम कर लेते हैं, 100 तो नहीं है ना इसमें, 100 एज्यूम कर लेते हैं कि ए जो है वो 100 है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला कहता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए कितना एज्यूम कर रहे हैं हम, 100, 100 तो नहीं है, तो चाहे आप 100 क्या 1000 क्या 10,000 कर लेना घर बैठ के,
तो भी आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा तो मुझसे डिस्कस करना। फिलहाल ये 100 ले लिया मैंने, जो कि यहां नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक इस सीरीज से कोई वास्ता नहीं है 100 का, फिर भी मैं ए को 100 एज्यूम कर रहा हूं। तो अब मुझे चाहिए सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी तब मिलेगा, पहले डी चाहिए, डी और एफ को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो एफ डी आएगा। तो डी डी कैसे निकलता है, एक्स में से ए माइनस करते जाओ, ये रहे एक्स, इन सब में से ए 100 माइनस करो, 2 में से गए 100 माइनस 98, 4 में से गए 100 माइनस 96, 6 में से गए 100 माइनस 94, माइनस 92, माइनस 90, माइनस 88, डी मिल गया आपको। एफ डी निकाल लेते हैं, एफ डी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आएगा 2, 3 माइनस 392, माइनस 480, माइनस 188, माइनस 276, माइनस 180, माइनस 352। तो कैलकुलेशन बड़ी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी ही थी क्योंकि आपने 100 जो उस पर एज्यूम किए, तो इसलिए कोई नहीं, हमें तो आंसर निकालना है। सिग्मा एफ डी चाहिए, एफ डी का टोटल चाहिए, मतलब सारे माइनस के हैं तो माइनस के टोटल आएगा, ये आ गया माइनस 1868। तो माइनस 1868 अपॉन में एफ का जो टोटल, क्योंकि सिग्मा एफ है ना, सिग्मा मतलब टोटल, एफ का टोटल, एफ का टोटल तो 20 है, 20 रखा है यहां पर, 100 प्लस इसको काटेंगे यहां पर पॉइंट लग जाएगा, माइनस में 93, माइनस 93.4, अब 100 में से माइनस कर दो 93.4 को, आंसर 6.6 ही आएगा। तो देखा, ए एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, तो फिर हम इसी में से क्यों करते हैं, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं, कोई सेंटर वाला कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी बनी रहे। देखो कैलकुलेशन हमने ज्यादा किया तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो गई, टफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गया ना, टफ हो गई है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही रहेगी कि एज्यूम मतलब एज्यूम है, कल्पना है, कोई भी आप ए एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, किसी और नंबर को लेकर घर पे ऐसे ही करना, जैसे मैंने 100 को लिया, आप 50 लेकर करना, 20 लेकर करना, मर्जी आपकी, करके देखना, आंसर यही आएगा। तो अब कर रहे हैं हम इसका तीसरा मेथड, कौन सा मेथड है, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ये जो डी है डी डैश हो जाता है अपॉन सिग्मा एफ इनटू कॉमन डिफरेंस, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला समझ लो पहले, ए आपको निकालना आता है, ये तो एज्यूम करना है, प्लस सिग्मा एफ डी, एफ डी तो आपको आता था, एफ और डी, डी तो निकालना आता था, तो ये डी डैश कैसे आएगा। देखो डी निकालना तो आपको आता ही है, एक्स माइनस ए करके तो डी निकलता है ना, ये आप कर चुके हो भी पहले भी, लेकिन हमें तो डी डैश चाहिए, तो डी तो आता है एक्स माइनस ए करके, और डी डैश कैसे आता है, जब आप डी निकाल लोगे तो उस डी डैश, देखो कैसे निकालना, तो उस डी को रखो और डिवाइड कर दो कॉमन डिफरेंस, तो वो डी डैश हो जाएगा। यानी कि एफ डी डैश निकालने के लिए पहले डी निकालो फिर डी डैश निकालो, डी निकालेंगे एक्स माइनस ए करके, और डी डैश कैसे निकालेंगे, ये जो डी आपने निकाला होगा उस डी को डिवाइड कर देना सिंपली कॉमन डिफरेंस से। अगर सी डी कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो यहां पर ये सारी फिगर्स, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे सारी की सारी डिवाइड हो रही है, क्या 3 से सब डिवाइड हो रहा है, नहीं, क्या 2 से, हाँ 2 से सब डिवाइड हो रहा है, तो यही सी डी है। ठीक है, तो डी जो भी आपका निकलेगा उसको कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो डी डैश मिल जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन वही है हमारा, उसका आंसर 6.6 आया था, पहले 3 बार कर चुके हैं इसी क्वेश्चन को, 6.6 ही आंसर आ रहा है, एक बार फिर करते हैं। करने से पहले मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन द सिग्मा एफ इंटू सी डी। तो ए एज्यूम करना है,
एक बार हम 8 एज्यूम कर चुके हैं, एक बार हमने 100 भी एज्यूम कर लिया, अब कुछ और एज्यूम कर लो, देखो आंसर फिर भी वही आएगा। चलो इस बार 4 एज्यूम कर लेते हैं, ए है 4, तो ए के नीचे 4 लिखा, एफ डी डैश, तो एफ डी डैश कैसे आएगा, पहले तो मुझे डी चाहिए होगा, फिर डी से डी डैश निकालूंगा और फिर एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश आ जाएगा, है ना, एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश। तो पहले डी, डी कैसे, एक्स माइनस ए करके, मैंने बताया था ना डी ऐसे ही आता है, ए का मतलब यहां पर 4 है, तो ये रहे एक्स, सभी एक्स में से 4 माइनस करते जाओ, 2 में से गए 4 माइनस 2, 4 में से गए 4 0, 6 में से गए 4 2, 8 में से 4 4, 10 में से गए 4 6, 12 में से 4 8, डी मिल गया आपको। अब आपको चाहिए डी डैश, डी डैश कैसे आएगा, डी मैंने कहा था निकाल चुके हो आप, उसको डिवाइड कर देना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या कहा यहां पर, जो ये सारी फिगर्स किससे डिवाइड हो रही है, 2 सबसे हो रहा है ना, तो 2 है कॉमन डिफरेंस। चलो अब डी आपका निकल चुका है, डी को 2 से डिवाइड कर दो, जितने भी डी हैं ये सारे डी दिख रहे हैं, इन सबको 2 से डिवाइड, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 माइनस 1, 0 को किससे डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, 2 को डिवाइड किया 2 से 1, 4 को डिवाइड किया 2 से, 6 को डिवाइड किया 2 से, 8 को डिवाइड किया 2 से, डी डैश मिल गया। बस अब आपका कॉलम मिल गया एफ डी डैश वाला, ये रहा एफ ये रहा डी डैश, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 माइनस 1 4 माइनस 4 आ गया, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 4 16, टोटल कर लेते हैं सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल चाहिए किसका, एफ डी डैश का, ये एफ डी डैश का टोटल चाहिए, कैसे आएगा, प्लस का देख लेते हैं, 16 और 6 22, 28 30, 30 तो प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, यानी कि 26 आ रहा है, प्लस वाला 26, तो यहां रखेंगे 26, सिग्मा एफ, एफ का टोटल हमें पता है 20 है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है 2 है, 2 को इससे डिवाइड किया 10 आ गया, ये 0 आ गया, पॉइंट लग गया यहां पर, 4 प्लस 2.6 दैट मीन 6.6 आंसर। तो ये था स्टेप डेविएशन मेथड, डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गया, तो इंडिविजुअल, हाँ अब उस समय मैंने आपको कहा था कि स्टेप डेविएशन मेथड है इसमें यूज मत करना, क्योंकि देखो यहां पर क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, इस सीरीज को आप जब करते हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस अक्सर नहीं होता है ना, तो यहां पे जैसे मार्क्स हमने लिया था एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे था, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, 1, अगर कॉमन डिफरेंस 1 आएगा तो क्या होगा, जो डी आया है, जब डी जब कॉमन डिफरेंस मैंने कहा था ना डी को एक उससे डिवाइड करोगे तो डी डैश आता है, अगर ये डिवाइड करने वाला कॉमन डिफरेंस 1 हुआ तो जो डी है वही डी डैश ही रह जाएगा, तो फिर डी डी और डी डैश का कोई डिफरेंस नहीं, कोई फायदा नहीं है करने का, इसलिए तो आप इंडिविजुअल सीरीज के मेथड्स से देख रहे आपने, चाहे डायरेक्ट किया चाहे शॉर्टकट किया आंसर सेम आया, आपने डिस्क्रीट सीरीज के तीनों मेथड से करके देखा आंसर सेम आया, तो मेथड कोई भी हो आंसर हमेशा सेम आएगा, तो एक पेज पर पहले इन सब फॉर्मूलों को नोट कर लेना, इधर एक स्पेस छोड़ देना, आज मैं आपको सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट ही कराया मैंने, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में बताऊंगा, उसके लिए उसके फॉर्मूले में बताऊंगा, तो आप क्या करना इन सबको एक नोट कर लेना, एक पेज फुल पेज पर ऐसे मीन लिखकर इंडिविजुअल के फॉर्मूले लिख लेना, डिस्क्रीट के लिख लेना, और इधर कॉन्टिन्यूस के लिए ऐसे जगह छोड़ देना, अगली क्लास में मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड करवाऊंगा कॉन्टिन्यूस सीरीज का।